हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं श्याम सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माया शोदा के देर से बुलाते नहीं, माया शोदा के देर से बुलाते नहीं। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं पहले तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली थी, बट शाम को थोड़ी हिम्मत करके मैंने ये थाली तैयार की थी जिसमें मैंने बनाया था फ्रेशली, मैंने मक्खन घर पे बनाया था, मलाई से माखन मिश्री है, हरी चटनी है एंड देन आलू की कचौड़ी है और गुलाब जामुन, और सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज के ही बनाई थी मैंने ताकि भगवान को मैं भोग लगा सकूँ। तो ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थाली तो नहीं है, बट यही थी मेरी जन्माष्टमी की भोग थाली। आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। 2000 years later. तो जन्माष्टमी के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने रेस्ट किया, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, और ये दो दिन बाद का क्लिप है। इस दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की थी, बस ये क्लिप शूट किया है। मैं, आरव और यश जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर वैक्सीन लग रहा था, वैक्सीन डे था, तो आरव का 5 ईयर कम्प्लीट हो गया, तो 5 ईयर वाला वैक्सीन, और यश का जो सेकेंड वैक्सीन होता है 2 मंथ्स के आसपास लगता है, वो लगवाने हम लोग जा रहे हैं। 2000 years later. अगेन 2 दिन बाद फिर से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। 2 दिन तक मैंने कुछ काम नहीं किया था बिकॉज बच्चों की भी तबीयत अब थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी उनका, क्योंकि वैक्सीन लगा था तो पेन फीवर एवरीथिंग बहुत कुछ हो रहा था। पूरी अपडेट अभी मैं बैठ करके आराम से आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही थी और सॉल्यूशन मैंने क्या क्या फॉलो किया, वो सब कुछ अभी बताऊंगी। तो इसीलिए फिर बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी और मेरी भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन वही होता है ना, हम लेडीज़ का ऐसा ही होता है कि अगर थोड़ी भी हिम्मत है तो करना ही पड़ता है, मतलब ऑप्शन नहीं होता ना यार, घर तो मैनेज आपको करना ही होता है। तो ये भी एक तरीके का जॉब ही है जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तब तो बात अलग है, बट अगर आप थोड़े भी ठीक हो तो अपना ऑफिस का काम आप करते हो वैसे ही घर का काम भी आपको करना ही होता है। तो वही मैं मतलब कर रही थी, तो मैंने सुबह आरव के लिए पोहा बनाया था टिफ़िन के लिए, तो वो लेके गया है और हम लोग भी यही ब्रेकफास्ट करेंगे। चाय भी मैंने चढ़ा दिया है हम दोनों की, तो जब तक ये हस्बैंड मेरे तैयार होकर के रेडी होंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तब तक मैं यहाँ पर गुनगुना पानी जो है वो बैठ करके पीऊँगी और थोड़ा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि कंटिन्यू काफ़ी देर से मैं काम कर रही थी तो मेरा पेन जो है वो, मैं बैठूँगी तो थोड़ा मुझे आराम मिलेगा। और मैं ना सुबह वैसे मिल्क और हर्बल मिक्स अपना लेती हूँ, वो बहुत अच्छा है, बट अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ना मेरा वो रूटीन उस तरीके से अभी सुबह वाला नहीं हो पाता है, कभी मैं इवनिंग में लेती हूँ कभी मैं नाइट में लेती हूँ, बिकॉज सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है जल्दी जल्दी, और उसके बाद चाय बन जाती है, तो मुझे लगता है जब फ्रेश चाय बनी है तो मैं गर्मा गर्म पहले चाय ही पी लूँ, उसको ठंडा करूँ फिर रीहीट करूँ फिर करूँ, उससे अच्छा है कि मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसको तो मैं कभी भी खा सकती हूँ तो बाद में खा लूँगी, तो इस चक्कर में वो सुबह सुबह मेरा नहीं हो पाता है तो मैं इवनिंग या नाइट में लेती हूँ, और कभी कभी हम कहीं बाहर बाहर चले गए तो मेरा मिस भी हो जा रहा है, तो मुझे उस पर थोड़ा सा स्टिक रहना है। एनीवेज वो काफ़ी अच्छा मिक्स है, आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर उसको बनाना, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है ना तो आप वो हर्बल मिक्स ट्राई कर सकते हो। मैंने ऐसा नोटिस किया कि 2-3 दिन वो लगातार मेरा मिस हो गया था, तो मेरे मिल्क सप्लाई पे थोड़ा मुझे फ़र्क महसूस हुआ था, तो मैं इसलिए आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि वो हर्बल मिक्स आप ज़रूर से बना करके कंज्यूम करें अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन में कुछ मतलब कमी आ रही है। तो अब मेरे हस्बैंड टेबल पे आ गए थे तो मैं पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, तो पोहा है उसके ऊपर कच्चा प्याज और लामी सेव डाल करके खाई, बड़ा मज़ा आता है यार, और उसके साथ में गर्मा गर्म चाय, बस इसको सर्व कर देंगे और हम दोनों अपना बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे।
सो आज का कमेंट ऑफ द डे गोज़ टू सिद्धि जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा और मोटिवेटिंग एंड अप्रिसिएशन वाला कमेंट मेरे लिए किया है। थैंक यू सो मच, इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ निधि। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने लास्ट जो है मेरे ख्याल से 17 को शूट किया था, 18 को हमारे यहाँ जन्माष्टमी हम लोगों ने की थी। 18 को की थी कि 19 को की थी? 19 को की थी, सॉरी 18 को हमने मैंने ब्लॉग बनाया था। हाँ, लास्ट मैंने 18 को ब्लॉग बनाया था, उसके बाद फिर आज बना रही हूँ मैं। तो मतलब अभी तो एक वीडियो जाएगा आपके पास पुराना, एंड देन फिर ये नया वीडियो जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और जन्माष्टमी पे भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया बताया भी था ना उसके पहले वाले व्लॉग में कि मेरे को कोल्ड जैसा फील हो रहा है। तो मेरे को कोल्ड भी हो रहा था, और ना मेरे यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को अक्सर होता ही है, न्यू मॉम्स को अक्सर होता ही है, क्योंकि बच्चे को उस तरीके से होल्ड वगैरह करना, बट ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मुझे ना डॉक्टर को विज़िट करना पड़ गया था, और मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी सैटरडे को, आई थिंक दिखा के आई थी या पहले ही दिखा के आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सेशंस लेने पड़ेंगे, 5 सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी फिजियोथेरेपी की, और पेन किलर्स भी दिए थे। तो पेन किलर्स तो मैंने लिए नहीं है, क्योंकि उससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। टाइम भी ये तो लंबा है, मतलब इसको ठीक होने पर टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि उस तरीके से रेस्ट तो आपको नहीं मिलता है जब आपके पास इतना छोटा बेबी और एक और बेबी, दो बच्चे अगर हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने पेन किलर्स नहीं लिए, और फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने बोला कि आना ही पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने बताई है डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने, और बट बोला है कि अभी जिस स्टेज पे आपका पेन है उस स्टेज पे एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आप करो। अगर कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करो, और अगर पेन बढ़ जाता है तो एक्सरसाइज नहीं करना है। तो मुझे पेन बढ़ तो नहीं रहा है, बट सच आपको बताऊँ तो कंटिन्यू में मुझे एक बोलते ना आधा घंटा आप एक्सरसाइज करो, वैसा हो ही नहीं पा रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है, शायद अगर मैं कंटिन्यू आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करूँ तो मुझे उससे रिलीफ मिले। तो ये चीज़ है, एक अपडेट, मतलब काफ़ी सारी अपडेट्स है आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ। तो एक मेरी हेल्थ अपडेट ये है, बेटर है अभी थोड़ा, उसमें मसाज कर दो या थोड़ा एक्सरसाइज कर लो तो बेटर हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए। और जैसे फिर काम मेन क्या ना, यश को बार बार झुक के उठाना लेटाना उठाना लेटाना ये जो करना पड़ता है ना, इससे वो तुरंत फिर वापस से बढ़ जाता है। तो वो चीज़ है, एंड एनीवेज तो फिर इसीलिए मैंने जन्माष्टमी में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे पेन किलर उस दिन लेना पड़ा था। तो इसे मैंने कोई ब्लॉग वगैरह भी शूट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, जस्ट प्रसाद बना लिया था, वो भी बेसिक प्रसाद बनाया था जो कन्वेंशनली बनता है, वो सब मैंने सोचा तो था बट मैं नहीं बना पाई थी। तो वो हो गया, एंड देन फिर अभी थोड़ा बेटर है। एंड इन लोगों को कल कल नहीं मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए वैक्सीन लगे। तो इस बार मैंने आरव को भी वैक्सीन लगवाया है, 5 ईयर्स का एक वैक्सीन लगता है, तो वो लगाया। अगर आपके बच्चे भी 5 ईयर्स के हो गए तो आई थिंक आप लोगों ने भी लगवाया होगा। तो अभी उसको क्या है कि दोनों को एक ही दिन लगा था, यहाँ पर जो आते हैं उन्हीं से हमने लगवाया था अपने हमारे हॉस्पिटल में। तो यश को भी उसी दिन लगा था और आरव को भी लगा था। तो उसके बाद से दोनों बच्चे जो हैं वो परेशान थे, यश तो था ही और आरव उससे ज़्यादा, मतलब वो एक्सप्रेसिव है तो वो एक्सप्रेस ज़्यादा कर पाता है। यश तो क्या है कि सुला दो तो सो जाता है, लेके बैठ जाओ तो शांति है, बट आरव के साथ ऐसा नहीं था। उसके पूरे हाथ में यहाँ पे इतना काफ़ी पेन अभी भी हो रहा है, हो गए 3 दिन आई थिंक। मैं आज डॉक्टर से पूछूंगी कि ये इतना पेन कब तक ठीक होगा। थोड़ा उसको यहाँ पर रेडनेस भी आ गई है, हल्की स्वेलिंग भी थी, और वो अपना लेफ्ट हैंड जो है ना वो मूव ही नहीं कर पा रहा था, कर पा रहा है अभी भी स्टिल। तो मतलब फिर उसमें पूरा दिन जो है वो वैसे ही चला गया था, दवाई वगैरह उन्होंने पेन किलर्स और पैरासिटामोल वगैरह शायद दी थी। तो उसे फीवर वगैरह तो कंट्रोल था, लेकिन पेन अभी भी है उसको। तो अब देखती हूँ, डॉक्टर को बताऊँगी। अगर आप में से किसी ने लगाया है अपने बेबी को वैक्सीन 5 ईयर वाला, तो प्लीज़ मुझे बताना कि मतलब आपके बच्चे को भी इस तरीके से पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो थोड़ा अपडेट देना कि क्या क्या कर रहे हो आप लोग। पता नहीं, मैं उनसे पूछना भूल गई कि बर्फ़ की सिकाई वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, बट यश को जो वैक्सीन लगती है तो उस पर उन्होंने स्पेशली मना किया कि वैक्सीन पे बर्फ़ की सिकाई वगैरह नहीं करनी है। तो मुझे लगा कि आरव पे भी नहीं करनी होगी, तो मैंने भी की नहीं है, बट आज मैं अगर पूछती हूँ तो फिर देखती हूँ कि क्या कहेंगी डॉक्टर।
वैसा है। तो ये कुछ सेल्फीज ली थी हमने आफ्टर वैक्सीनेशन। शाम को आरव काफ़ी रो रहा था तो उसको हैप्पी करने के लिए मैंने कहा चलो सेल्फी लेते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ सेल्फीज ली थी तो दोनों देखिए कितने खुश है। वैसे रो रहे थे बट फोटो खिंचाने के लिए दोनों हैप्पी हो गए थे। और ये है वो स्वेलिंग वाला। और यहाँ पर ही मतलब आरव को वैक्सीन लगी थी तो मेरी डॉक्टर से अभी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 5 ईयर्स पर जो वैक्सीन लगती है वो थोड़ी पेनफुल रहती है। तो रहता है उसका 4-5 इवन 1 वीक तक भी पेन जो है वो रहता है। तो ऐसे में 3 टाइम उन्होंने आइबुप्रोफेन करके एक मेडिसिन होती है वो बोली है कि 3 टाइम देनी है। बच्चे का जितना वेट रहता है उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी डॉक्टर बताते हैं। तो अभी मैंने आरव को मेडिसिन दे दी है तो अभी उसको थोड़ा बेटर लग रहा है बट अगर उसको आराम नहीं हुआ तो फिर कल मैं उसको डॉक्टर को एक बार दिखा के आ जाऊँगी। और पोहा आज मैंने बनाया था। आज इन्होंने स्पेशली मुझे कल रात में बोला था कि मुझे पोहा चाहिए वो भी प्याज और नींबू और ये वो उसके ऊपर डाल करके। तो मैंने आज सुबह पोहा ही बनाया वही आरव को टिफिन में दे दिया और वही इन्होंने खा लिया। ये टिफिन अभी नहीं लेके गए क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो इनको भी थोड़ी दिक्कत होती है। इनके ऑफिस में ऐसा नहीं है कि अपने कैबिन है कैबिन के अंदर लेकर के जाओ, वैसा नहीं रहता। सिक्योरिटी पर्पस से टिफिन वगैरह जो है वो बाहर ही जमा कर दिया जाता है तो इस वजह से इन्होंने मेरे को बोला कि वो बार बार बाहर आना जाना पड़ेगा, दिक्कत होगी, इसलिए रहने दो अभी। तो अभी फिलहाल टिफिन नहीं लेके गए और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ। एंड कोई मुझे पूछ रहा था कि आरव के टिफिन में मैं क्या देती हूँ, वो मैं शेयर करूँ, उसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह शेयर किया करूँ। तो एक्चुअली क्या है कि आरव जो है ना वो अभी ओनली 2 आवर्स के लिए, मतलब 8 बजे जाता है, 10:30 पे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो उसमें वो 15-20 मिनट का मेरे ख्याल से टाइम मिलता होगा खाने का, मुझे वो भी आइडिया नहीं है कि लंच ब्रेक अलग से होता है या कभी भी खिला देते क्या होता है वो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो उतनी देर के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हम आरव जैसे उस एज ग्रुप के बच्चों को नहीं दे सकते। जो बच्चे दूर जाते हैं बस वगैरह में जाते हैं तो उनके पास उतना टाइम होता है, उनको भूख लगती है, बट 2 घंटे में तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं, एक दिन मैंने दिया था, शुरू में मैंने दिया था बट फिर क्या होता था कि वो आधा कुछ खा, जो अगर 2 आइटम दिए तो आधा आधा दोनों में से खा लेता था क्योंकि दोनों उसको पसंद आते थे, बट उतना टाइम नहीं होता था कि वो दोनों चीज़ें ख़त्म करके आए। तो उससे क्या हो रहा था कि उसकी हैबिट ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसी हैबिट ना बन जाए कि आधा आधा खाना है और छोड़ के आना है। इससे बेहतर है कि मैं एक ही चीज़ दूँ, कम से कम उसे ये पता हो कि जितना भी खाना मिला मुझे फिनिश करके आना है। तो बस मैं उसे एक ही आइटम कुछ भी देती हूँ, जैसे आज मैंने पोहा दे दिया है, कभी सैंडविच दे देती हूँ, कभी पराठा रोल बना देती हूँ, कभी कभी ऐसे दो आइटम इन द सेंस कि कभी उसको एक्स्ट्रा चॉकोस वगैरह चाहिए या फिर कोई चॉकलेट या कोई बिस्किट वगैरह तो वो मैं एडिशनल कभी कभी रख देती हूँ बट रेगुलर बेसिस पे नहीं रखती हूँ। और अभी इसीलिए मैंने उसके लिए वो वाला टिफिन भी ऐसा जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं उस टाइप का टिफिन भी नहीं लिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी उसका वेट जो है वो हैवी हो जाएगा और वो खा तो पाएगा नहीं। तो अभी इतना सब कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं उसे सिंपल सा ही कुछ भी एक चीज़ बना करके उसको दे देती हूँ, चीज़ सैंडविच, चोको सैंडविच, जैम सैंडविच, पोहा, पराठा रोल, पराठा सब्जी या कचौड़ी या पूरी, इस टाइप का कुछ भी बना के दे देती हूँ। तो कुछ खास अभी कर नहीं रही हूँ। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में जब जाएगा ना, जब फुल टाइम के लिए पूरा स्कूल लगेगा तब फिर उसमें मेरे ख्याल से फ्रूट ब्रेक और टिफ़िन वाला जो रिसेस रहता है ये सब चीज़ें, और बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी खा पाते हैं। तो यही थी हेल्थ अपडेट, अभी फ़िलहाल सब लोग बेहतर है। हाँ, इनको भी वायरल हो गया था, वो मैं बताना स्किप हो गया मेरा, इनको भी वायरल हो गया था सैटरडे से, इनको वायरल था। तो मतलब घर में अभी सब कुछ, बारिश का मौसम, वैक्सीनेशन, सारी चीज़ें एक साथ आ गई ना तो सबकी कुछ ना कुछ लेकर के तबीयत ख़राब ही थी, बट अब टचवुड सब लोग बेटर हैं। अभी यश भी ठीक हो गया है, अभी वो प्रॉपर मतलब 1-2 दिन में वो एकदम फाइन हो जाएगा, वैक्सीनेशन के बाद तो होता ही है। और मैं भी ठीक ही हूँ और ये भी ठीक है, ऑफिस वगैरह चले गए अभी तक, लीव पे थे क्योंकि वायरल फीवर हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा फीवर था तो इसी वजह से कुछ ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं वापस से रिज्यूम करने का सोच रही हूँ तो मैं सोचा एक हल्का अपडेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। चलो अब मैं जाती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, चाय पीती हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो तो आप लोग ये सारी चीज़ें करिए, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी मुझे भी और मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।